Hello student, how are you all? Today I am going to teach you your next new chapter, unit 7, under that chapter number 8, infrastructure. Now see the screen, infrastructure. What do you mean by infrastructure and relevance of the infrastructure? Infrastructure, the name indicates structure. जो कुछ भी हम लोगों को दिखाई देता है या जो हम बनाते हैं इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर. लिसन, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स. मींस व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो सपोर्ट करती है हमें सर्विसेज अलग अलग एरिया में, मेन एरिया में. मेन एरिया क्या होता है? हमारा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, जिसे हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे हमारे डोमेस्टिक तरीके से, चाहे फॉरेन ट्रेड में या कॉमर्स में. तो जहाँ भी हम स्ट्रक्चर को बदलते हैं, दिस ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस सर्विसेज आर इंक्लूडेड लाइक रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नाउ द कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेल्थ सिस्टम इंक्लूड्स हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम इंक्लूड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, द मॉनेटरी सिस्टम इंक्लूड्स बैंक, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. मीन्स वॉट? जो भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जो हमें सर्विसेज देते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज हमें सर्विस दे रही हैं, हॉस्पिटल हमें सर्विस दे रही हैं, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए जो डैम वगैरह बनता है वो हमें सर्विस देती है, बैंक है, इंश्योरेंस फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये सारे के सारे हमें क्या करती है? सर्विसेज देती हैं. और यही जो सर्विस हमें देती हैं उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिवाइडेड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल. फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर को आप बनाते हो और उससे बार बार अर्न कर सकते हो, वो जैसे कि एनर्जी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये आप एक बार बनाते हो, बार बार नहीं बनाते और उससे आप हमेशा रेगुलरली अर्न करते हो, ये होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हाउसिंग आर इंक्लूडेड इन दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब भी बनाना ज़रूरी होता है जिससे कि हम समाज में लोगों को, सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में कैसा संबंध होता है. बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट. बोथ आर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, हेल्थ केयर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सही नहीं हुई या कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं हुआ तो उसके वजह से हमारे सोशल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है. सिमिलरली, एयर पॉल्यूशन एंड सेफ्टी हजार्ड्स कनेक्ट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो अफेक्ट मॉर्बिडिटी, मीन्स प्रोनाउंस ऑफ फॉल ईल्स. ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होने लग गया ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो उसके वजह से भी सोसाइटी में लोग क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाएंगे, पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत बड़े जो शहरे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो जाती है. दैट्स वाई इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, नाउ सी रिलीवेंस, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या क्या रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी क्या भूमिका निभाता है. फर्स्ट वन, बूस्ट प्रोडक्शन. यहाँ पे क्या करता है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा बूस्ट प्रोडक्शन. सम ऑफ दीज फैसिलिटीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल अदर गिव इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय बिल्डिंग द सोशल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, जितने भी हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिए, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब बड़ी मात्रा में बनता है, थोड़े थोड़े नहीं बनता. और ये फैसिलिटीज़ जो होती है डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जब कभी हम किसी को देते हैं. इनडायरेक्ट सपोर्ट जो किया जाता है बिल्डिंग करने के सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे ये सारी की सारी तरीके से सपोर्ट करते हैं, इसका बड़ी मात्रा में हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है. सेकेंड वन, बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक. इसका मेन बेस क्या होता है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के तरीके से बनता है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम. इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है ऑन विच, जिसके अंदर डिपेंड्स द इफिशियंट वर्किंग ऑफ ए
मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, किसके ऊपर डिपेंड होता है, इफिशियंट सक्षम तरीके से जो हमारी वर्किंग की जाती है मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, तो इसका मेन बेस होता है हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मतलब आपका मेन बेस क्या होगा, एग्रीकल्चर कैसे हो मॉडर्न तरीके से। मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो लार्जली डिपेंड ऑन साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्रोड्यूस यूजिंग मॉडर्न रोडवेज, रेलवेज एंड शिपिंग फैसिलिटीज। लाइक जो फार्मर है, फार्मर को अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के सीड चाहिए, पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, खाद चाहिए, तो वो सब के लिए उन्हें अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, है ना। पुराने ज़माने के ऐसा नहीं है कि इतने टाइम तक वो सामान आएगा फिर पहुँचेगा, इस तरीके से नहीं। इन रिसेंट टाइम एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड ऑन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ इट्स नीड टू ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर हुआ है, होता है, और उसको बहुत बार लॉस भी देखना पड़ता है। इसके लिए अभी लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर लैंड की भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, और ये भी फैसिलिटीज उन्हें आज के टाइम में डिपॉजिट कहाँ करते हैं, वो अपने मनी को बैंक में, कर्जा कहाँ से लेते हैं, बैंक से। तो पहले जो खेती वगैरह में इंश्योरेंस और बैंकिंग नहीं थी, बट अभी इंश्योरेंस वगैरह और बैंकिंग भी फैसिलिटीज़ देती है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि नहीं। तो ये बना इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग तरीके से बनने वाला स्ट्रक्चर। फोर्थ वन, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी आर्थिक डेवलपमेंट विकास के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा योगदान देता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बोथ बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। जियो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों तरीके से, एक तो हमारे यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ाकर, दूसरा इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल, अपने यहाँ के जो लोग हैं, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी इम्प्रूव करता है, सुधारता है। अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से, जैसा आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेस, जिस तरीके से जिस सराउंडिंग में आप रहते हो सराउंडिंग का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, हमेशा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट अगर होगा तो उससे ऑटोमेटिकली आपका आर्थिक डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कि अगर आप अर्निंग अच्छा करते हो तो आप कभी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहोगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छे घर में रहोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हाथों हाथ होता ही है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स होता है टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एडिक्वेट एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे बढ़ा सकते हो, एडिक्वेटली आप अपने खेती बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इरीगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए, हमेशा आपके खेत में पानी अच्छे से आए। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बट कारखानों का प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, उसके लिए सबसे मेन आपके यहाँ पर लाइट होनी चाहिए, यहाँ पे गाड़ियाँ होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेट करने के लिए जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो होना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों के दोनों डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ऑब्वियसली इफ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लाइकली टू एक्ट एज ए सेवर कॉन्स्ट्रेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमने ये दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएंगी ही, क्योंकि आपको पता ही है कि बिना खेती के, बिना कारखानों के आज कुछ भी होता नहीं है। अगर आपको ये अच्छी तरीके से करना है तो आपका पूरा का पूरा फोकस इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, अफेक्ट्स एसेस टू हेल्थ केयर, सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट एसेस टू हेल्थ केयर, अगर आपकी बेटर क्वालिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हो, कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, तो हमारे हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होंगे। बट अगर आपकी कार में से या बाइक में से बहुत ज़्यादा जो आपको पता ही है आवाज़ आ रही है या धुआं निकलता है, इसके वजह से भी क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इश्यूज निकल जाते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, समझ में आ रहा है, इनएडिक्वेट अगर अच्छी तरीके का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो उसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हमारे हेल्थ के ऊपर होते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन हैव ए लार्ज इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी फ्रॉम मेजर वाटर बॉर्न डिजीज एंड रिड्यूस द सेवर्टी ऑफ डिजीज व्हेन इट्स ऑकर, जब कभी भी आपने देखा होगा कि वाटर सप्लाई या सैनिटाइजेशन का मेन इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है
क्योंकि जो पानी है, पानी में अगर डिजीज हो जाएंगे जो उसके अंदर ऑलरेडी रहते ही हैं, और उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे डिजीज को डिलीट हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो आज हमने यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेवेंट इवेंट रिलेवेंस भी देख लिए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है हमने ये भी देखा। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर करके भी सुन सकते हो, उसकी क्वालिटी हाई करके सुन लीजिए ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट और वर्ड्स क्लियर दिखाई दे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।